बना रहा है। इस वक्त की खबर आ रही है बावड़ी मोहल्ला से, प्रतापगढ़ से, जहां शहर के बावड़ी मोहल्ला इलाके के एक घर में घुसकर एक विवाहिता की गोली मारकर हत्या करने के मामले में एक बाल अपचारी को पुलिस ने डिटेन किया है। पुलिस ने इसकी निशानदेही पर वारदात में काम में ली गई 12 बोर की बंदूक और बाइक को भी जब्त कर लिया है। पूछताछ में इस बाल अपचारी ने बताया कि रंजीश को लेकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना ने बताया कि बीती 16 नवंबर की शाम को बावड़ी मोहल्ला की होरा बिल्डिंग में रहने वाली रजिया बी नाम के एक विवाहिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में परिजनों की ओर से कोतवाली थाने में दर्ज प्रकरण के मुताबिक रात 7:45 पर जब रजिया बी अपने घर पर थी, तभी कोतवाली थाने का स्ट्रीट शूटर बबलू जोशी और बाल अपचारी हाथों में पिस्टल लेकर आए और धनाधन फायर कर दिए। फायरिंग की इस वारदात में रजिया बी को सीने में गोलियां लगी और वारदात के बाद परिजन रजिया को जिला चिकित्सालय ले गए, जहां उसकी मृत्यु हो गई। यह भी सामने आया कि वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी अलग अलग बाइक में बैठकर फरार हो गए। बाइक उनके दोनों साथियों को जो नीचे उनका इंतजार कर रहे थे वो चला रहे थे। इस मामले में सलमान और आरिफ नाम के दो युवकों को नामजद किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसके पिताजी ने इस महिला के साथ दूसरा निकाह कर रखा था, जिससे उसके पिता उसे खर्चा पानी नहीं देते थे। इसी से नाराज होकर उसने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस इस मामले में अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है और इस बाल अपचारी को डिटेन कर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। अभी 3 दिन पहले बावड़ी मोहल्ले में एक मर्डर हुआ था, जिसमें रजिया नाम की महिला थी जिनकी गोली मार करके हत्या की गई थी। तो इसमें आज हमने एक बाल अपचारी को इसमें डिटेन किया है। बाल अपचारी ने बताया है कि उसकी कोई पुरानी रंजिश थी इस रजिया के साथ में, जिसके चलते उसने इस तरह का कदम उठाया। उसके साथ में थाने का ही एक हिस्ट्री शीटर बबलू जोशी भी था, साथ ही 2 लोग और थे जिन्होंने उस पर फायरिंग की। बाल अपचारी का ये कहना है, वो मंडल है, उसका ये कहना है कि उसके फादर का दूसरा निकाह इस महिला के साथ में हुआ था, और चूँकि उसके फादर या घर वाले उसको पैसा नहीं दे रहे थे, इसके चलते उसने हथियार लिया। 12 बोर की गन थी, जिससे कि उस लड़का का मर्डर करके फरार हो गए। तो मुकदमे में जो हथियार था वो भी बरामद कर लिया गया है, और साथ ही जिस व्हीकल का इन्होंने इस्तेमाल किया था यामा का, उसको भी बरामद कर लिया गया। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया के ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़, हमेशा सच के साथ।